Hi Rohit. How are you doing, baby? Hi Sambhu. Is what? भाई अपने सारे आइडियाज और सारे प्लान्स ड्रॉप कर। मैं तुम्हें द टाइम ऑफ योर लाइफ देने आया। मतलब? Guess what? तुम और मैं और तुम दोनों 107 मिनट एक छत के नीचे इकट्ठे बैठने वाले हैं। क्यों? हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। मूवी? वाह 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 वाह। क्या प्लान बना के आया मदारी है? कौन सी मूवी जा रहे हो भाई साहब? क्या फायदा तुम्हें बताने से? ना तो तुम अंग्रेजी में नाम याद रख सकोगे और ना ही ठीक तरह से प्रोनाउंस उच्चारण कर पाओगे। अच्छा, तुम्हारी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी और काइंड इंफॉर्मेशन, वो इंग्लिश पिक्चर नहीं होती, वो अमेरिकन पिक्चर होती, लेकिन इंग्लिश भाषा में। तुम्हारी अंग्रेजी जरा ढीली है, जाके चेक करा लो अपनी। हाँ, ये तुम इंग्लिश पिक्चर देखने जा रही, वो भी इस मदारी के साथ? इंग्लिश पिक्चर वेरी बोरिंग है ना? Excuse me, they're not boring. Of course they're very boring. Hota kya English pictures mein? No koi song, no koi music, no koi emotions. Bas action hi action. Baatein kam karte hain aur chumiyan zyada. Hai na Rohi? Haan, to hai. Haan, hota kya usme? Wo hero aata hai heroine ke saath. To heroine kahegi, what makes you think you can come here? To hero kahega, honey, if you give me a chance, I can take you from the giant. और फिर एक छोटी सी चुम्बन, फिर हीरोइन कहेगी, pardon, desist, just chill. तो हीरो कहेगा, honey, if you give me a chance, I can go down on my knees and I can plead. Will you be mine? फिर एक चुम्बन, हीरोइन कहेगी, just take it easy. फिर हीरो कहेगा, honey, if you give me a chance, I can cross a million mountains and I can be there for you. ज़्यादा माउंटेन्स क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, ये चॉकलेट क्रॉस करके उस बेडरूम में चलते हैं और फिर वहां जाकर वो चुम्मियों का सेशन शुरू हो जाएगा। ये भी कोई पिक्चर हुई और उसके ऊपर से उस सीन को इंडियन सेंसर बोर्ड कट कट करके सारा उड़ा देगा। तुम ही बताओ, ये कोई पिक्चर हुई क्या? आई थिंक इंडियन मूवीज आर मच बेटर। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अब क्या कमाल के सेट्स होते, क्या कमाल की कॉस्ट्यूम्स होते, क्या गाने, क्या सिचुएशन। सिचुएशंस तो ऐसे की चूड़ियां तक बोलने लगती है। बोल चूड़ियां, बोल कांगना और थ्रिल। कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मेरा खून निकल रहा है बेटा, जल्दी से निकल ले, तो बहुत मारूंगा मैं तुझे। ये होती है हिंदी मूवी, देख के लगता है कि कुछ हो रहा है। तुम गए नहीं रास्ता वहां पे? तुम गए तो अभी एक्शन सीन दिखाऊंगा, तो कैसा होता है पिक्चर। ये लो, ये पिक्चर ले जा रहा तुम्हें, डरपोक। जो डर गया सो मर गया। हिंदी पिक्चर तो देखता नहीं, तुम तो देखती हो? हाँ बिल्कुल, चले चलो। मेरा बात। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, आपके लिए मिसेस वाडिया का फोन आया था। हाँ, मुझे मोबाइल पे फोन किया था, बात हो गई। मैं आपको बता नहीं सकती सर, वो लेडी तो पीछे ही पड़ गई। 5 मिनट में कम से कम 15 बार फोन किया है उन्होंने आपके अपॉइंटमेंट के लिए। ये बैग्स किसके हैं? गिफ्ट्स हैं मैम, किसी ने आपके लिए भेजे हैं। मेरे लिए? किसने भेजा है? नेमलेस है, आप खुद ही देख लीजिए ना। पिंक साड़ी। ड्रेसेस पिंक कलर में, कितने प्यारे शेड्स हैं ना। हाँ पर ये सब भेजा किसने है? कहीं वो तो नहीं जिसने मुझे फ्लावर बुके भेजा था? लेकिन वो कौन है? आई हैव नो आइडिया अब है, पर लगता है मल्लिका का भाई होगा, इसलिए हरकत भी वैसे ही की है। दीदी, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, यस और नो? यस। तो तुम्हें गिफ्ट्स भेजता है? सर, आई एम नॉट दैट लकी। उसने एक साथ 4-4 गिफ्ट्स कभी भी लाकर नहीं दिए। पर वो कहाँ मिला तुम्हें? सबसे पहले हम लोग इंटरनेट पर मिले और उसके बाद पर्सनली सिनेमा हॉल के बाहर। और अब तो पता है रोज जो ऑफिस के बाहर बस स्टॉप है ना, उसके बाहर हम लोग मिलते हैं। पर उसने मिलने के बाद ही मुझे गिफ्ट दिया, मिलने से पहले नहीं। और आपका ये बॉयफ्रेंड तो
ज्यादा ही बोल ली, सॉरी। तुम तो इधर पे चैट करने को। हाँ एक बार किया था, यूं ही टाइम पास किया। अच्छा वो आपने मुझे याद दिला दिया, मुझे वो कुछ जोक्स भेजने वाला था। मैं सोच रही थी हमें विशु को बिल्कुल अकेले अमेरिका नहीं भेजना चाहिए ना। कोई ना कोई तो होना चाहिए उसका वहाँ ख्याल रखने के लिए। हाँ मामा, I think you're right। जब तक विशु मामू का ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक किसी ना किसी को तो साथ में होनी चाहिए। हाँ लेकिन एक काम करे तो तुम ही विशु के साथ चली जाओ ना अमेरिका थोड़े दिनों के लिए। वाओ मामा, नॉट अ बैड आइडिया। हां व्हाट, नॉट अ बैड आइडिया, इट इज अ वेरी बैड आइडिया। ये क्या कर रही हैं आप, उसको आप अमेरिका कैसे भेज सकती हैं? मेरा क्या होगा? एक्सक्यूज मी, क्या मतलब क्या तुम्हारा? नहीं मतलब तुम्हारा, मतलब हमारा क्या होगा? अरु चाची, इतनी अच्छी घर की लड़की आप अमेरिका भेज देंगी, इट इज वेरी अनसेफ। क्यों क्यों? इतनी यंग, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी टैलेंटेड और इतनी अनमैरिड, अब ऐसी लड़कियों को वीजा नहीं मिलता। बहुत आसानी से वीजा मिल जाएगा, समझे? वो तो और भी गलत होगा। अरु चाची आपको पता ना अमेरिकन कल्चर कैसा है, खुदा ना खास्ता अगर बेचारे को कोई अमेरिकन लड़का पसंद आ गया तो अच्छा है ना, किसी अमेरिकन से शादी कर लेगी टॉम क्रूज जैसा। मम्मा वही तो बात वही है, वहाँ कोई शादी में विश्वास ही नहीं करता। आपने कोई अमेरिकन पिक्चर देखी? हाँ सब अमेरिकन पिक्चर देखती हूँ, सबटाइटल्स वाली। हाँ उसमें मुझे कोई शक नहीं, अगर आपने वो पिक्चर देखी हो तो कभी भी आपने कोई खुशहाल हैप्पी मैरिड कपल देखा है? नहीं ना, कौन किसके साथ कहाँ जा रहा है, किसकी बीवी कहाँ जा रही है, किसके बच्चे कहाँ पल रहे हैं, यही समझने में सारी की सारी पिक्चर खत्म हो जाती है कि नहीं? मैंने गलत तो नहीं कहा ना रूही? ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है राधेश्याम। अरे लेकिन आप घबरा क्यों गए, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, मेरे पास एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक आइडिया है। वो क्या है ना चाची, कि वो जो मेरे मामा जो है ना, उनके चाचा जो है, उनका बेटा जो है, बहुत करीब का रिश्ता है तुम्हारा। आपको कैसे पता? बहरहाल वो क्या है कि वो कंप्यूटर इंजीनियर है और इस समय वहाँ जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो काफी ठंडी पड़ी है, बेचारा अनएम्प्लॉयड है। तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना भाई, उसको काम मिल जाएगा और मामू की देखभाल भी हो जाएगी, और मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? नहीं, पहली बार इसने कुछ सही बात की। एक काम कर, तू ये पैकिंग खत्म कर, मैं आती हूँ। कोई शक? राधे, आई मस्ट टेल यू दैट यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड फुल ऑफ आइडियाज। It's been quite some time now. Let's go out for dinner one day. Acha kaam kar, I'll just check with my PA if I'm free or not. Okay? Okay. Priti, zara ek minute andar. Yes sir. Aaj 8 baje ke baad aapka saath ka koi bhi appointment hai? Koi appointment nahi hai. Priti, kaise check karo na? Wo Mr. Hussain ke saath appointment hai na? उनसे तो कल मिलना है आपको। टुडे यू आर एब्सोल्युटली फ्री। ओह तो बोलो, वेयर शैल वी गो? कहाँ जाएंगे आज हम? बोलो जाएंगे गोल्डन पैलेस जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप बोलो? एनीवे एक मिनट, आई जस्ट रिटर्न दिस मैसेज। हाँ तो बोलो। अब है अब अभी तो क्या है? आई एम सॉरी वो जवादिया माय वाइफ कुसुम। Oh, hello, Mrs. Kapoor. How are you? I'm fine, thank you. I'm sorry आपको disturb किया, पर बात ही कुछ urgent थी. I hope you don't mind. No problem at all. Thanks. अभय, आज शाम को हमारी appointment है डॉक्टर देसाई के साथ, याद है ना? 7:30. Please, शाम को कोई plan मत बनाना. बड़ी मुश्किल से appointment मिला है. डॉक्टर देसाई, that famous gynecologist. Oh, she is a wonderful doctor. Very, very busy. I think you should give top priority to Dr. Desai's appointment. We'll have to change our program. Okay? I'll see you later. Bye. And madam, all the best to you. Thank you. Okay. Thank you so much. It was pichhe pad rahi thi. Isliye tumhe phone kiya. Lekin aapne saaf mana kyun nahi kar diya? Kusum. She very well. So bura lagta. Hey, you were just brilliant. Thank you.
माता रानी तुम्हारी रक्षा करे, जल्दी जल्दी अच्छे होके आ जाओ। ईशु, मैंने जो कुछ भी कहा है सब कुछ याद है ना? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको वहाँ से फोन करूंगा। दीदी पहली बार तो जाने रहा हूँ मैं अमेरिका। हाँ लेकिन ईशु, तब की बात और थी ना, अब की बात और। अरे अरु चाची, आप फिक्र क्यों कर रही है? मैंने कहा ना मैं हूँ ना राधे, मैंने सब कुछ फिट कर दिया है। वो क्या है ना कि मेरे मामा के जो चाचा हैं ना। हाँ हाँ पता है राधे, उनको तुमने सब कुछ बता दिया है। बहुत ही करीबी रिश्तेदार है सुंदरलाल, है ना? हाँ हाँ, तुम्हें कैसे पता? तुमने बताया। और वो लोग मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव ही करने आने वाले हैं, राइट? आपको पता है? अरे वाह, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है इनकी। थैंक यू सो मच। एनीवेज मामू, ये आपकी टिकट्स और ये आपका पासपोर्ट। हैव अ वेरी नाइस जर्नी। थैंक यू रोहित, थैंक यू। अनु, ऑफिस में बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कपिल जी आपको हेल्प कर देंगे। ईशु, बिजनेस के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग है ना, बस अपनी ट्रीटमेंट अच्छे से करो। विश यू द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गेट वेल सून। विश यू। लो इसमें मेरे पेरेंट्स के टेलीफोन नंबर और एड्रेस है, और वहाँ मेरा दोस्त तुम्हें शिकागो से रिसीव करने आएगा। ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर। डोंट वरी एट ऑल। थैंक यू सो मच। विश यू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चलो चलो चलो। एंड डू कॉल अस नाउ। ओके। हां सुनो, दवाई बिल्कुल टाइम पे लेना एंड प्लीज कीप इन टच। चलो मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? ताऊ जी से मिलने, कुलावा, उनके किसी दोस्त के फ्लैट पर है। सी यू। कुलावा? लेकिन मैंने तो कोई और ही एड्रेस सुना था, शिवाजी पार्क था जगह का नाम। ओह माय गॉड, कहीं ललित मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा? ताऊ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरा एजेंट है, वो इस प्रॉपर्टी के लिए आपको बहुत अच्छे दाम दिलवा देगा। नॉट टू वरी एट ऑल। अरे निकिता, तुम यहाँ? जी ताऊ जी, मुझे आना ही पड़ा। एक्चुअली ताऊ जी, आजकल इन पर मुझे कांस्टेंट नजर रखनी पड़ती है। क्यों? वो इन्होंने आजकल ड्रिंक्स पीनी शुरू कर दी है। ड्रिंक्स? क्या? जी ताऊ जी, आजकल ये चोरी छुपे कभी कभी ड्रिंक पीते हैं। निकिता देखो ललित, ताऊ जी तो अपने हैं, इनके सामने कैसा ऑकवर्ड फील करना। ताऊ जी जब ये शाम को ड्रिंक पीकर ड्राइव करते हैं तो जब तक ये घर नहीं लौट आते मुझे तो नींद ही नहीं आती है। मुझे लगा कि शायद आपका बहाना करके आज। ललित, यू आर रियली वेरी लकी। देखो निकिता को कितनी फिक्र है तुम्हारी। अरे भाई इतनी क्यों पीते हो? छोटा सा बच्चा है तुम्हारा, अभी सारी उम्र पड़ी है तुम्हारे आगे। ताऊ जी प्लीज, आप इसकी बातें ना मानिए, ये तो मजाक कर रही है। और वैसे भी इसके प्यार का नशा क्या कम है कि मुझे ड्रिंक्स लेने की जरूरत पड़े। वो क्या है ताऊ जी, ये आपसे मिलना चाहती थी, ड्रिंक्स का बहाना बना दिया, दैट्स ऑल। व्हाट डू यू से? वैसे ये बात ठीक नहीं है ताऊ जी, हमारे होते हुए आप यहाँ इन किसी के घर में हैं, आप अभी और इसी वक्त हमारे साथ शिफ्ट हो रहे हैं, राइट ललित? हाँ व्हाई नॉट। ताऊ जी हमारा अपना गेस्ट हाउस है, आप प्लीज वहीं रहिए। अगर आप वहाँ रहेंगे तो किसी को किसी पर नजर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट डू यू से निकिता? ताऊ जी इनकी तो आदत है, ये कुछ भी बोल देते हैं, बहुत मजाकिया है। तो आप चल रहे हैं? देखते हैं। कुसुम, प्रियंका ने रियलाइज कर लिया है कि उसने तुमसे जो कुछ भी कहा था वो गलत है। वो वाकई अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। भैया वो बात तो मैं कब की भूल चुकी हूँ, पर लगता है कि प्रियंका भाभी आजकल बहुत परेशान है।
कश्मकश में आकर हम कभी कभी कुछ भी बिना सोचे समझे ही कह देते हैं। कश्मकश तो कुछ है ही नहीं, वो तो बस जिद लेके बैठी हुई है, जबकि मैंने साफ मना कर दिया। भैया अगर आप दोनों ही ऐसा करने लगेंगे तो फिर क्या हासिल होगा? I'm sorry, वो मैं फिर से आप दोनों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने लगी। एक पगली, तेरा हक है, तू कभी हमारा बुरा थोड़ी ना चाहेगी। नहीं भैया, मेरे लिए चुप रहना ही ठीक होगा। इसका मतलब तूने अभी भी प्रियंका की बात को मन से लगाया हुआ है। एक साथ घर में रहने का मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें। आप दोनों बड़े हैं, समझदार भी हैं, जो भी करेंगे सोच समझ के ही करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट भैया। अगर बात नहीं करी तो बार बार फोन क्यों कर रहे हो? कसम, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं और तुम तो पहले से। अब है आप वो, I'm so sorry, मुझे पता नहीं था कि आप फोन पे, वो आपके फोन से पहले कुछ ब्लैंक कॉल्स आने लगी थी इसलिए मैंने सोचा। ब्लैंक कॉल्स? तुम कहो तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करवाऊं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कहिए इतनी रात को किस लिए फोन किया? वो खुल गया। हाँ, एनीवे, गुड नाइट। गुड नाइट। फिर से फोन। कसम मैं अभय बोल रहा हूँ, मुझे याद आ गया। क्या? कल मलिक ने चीफ कॉन्ट्रैक्टर को साइट पे बुलाया है, मीटिंग रखी है। मैं तुम्हें सुबह घर से पिकअप करूंगा, ओके? ठीक है, मैं तैयार हूँ। Change my life. Good night. Bye. महकेगा जीवन, हाँ कुसुम।